रॉस साहब। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है, फरमाइए। एकदम बढ़िया, आप लोग कैसे हो? सनातनी है आप? नहीं, क्या है? मैं कंफ्यूज में हूँ, एथिस्ट। अच्छा, पहले मुसलमान थे? जी हाँ अच्छा जी, फरमाइए। सर, गॉड एक है या इन्फिनाइट है? गॉड एक है या इन्फिनाइट है, क्या दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? हाँ, वन एंड इन्फिनाइट इज डिफरेंट। नहीं, वन अगर न्यूमेरिकल है तो यकीनन आप कह सकते हैं, लेकिन अगर वन न्यूमेरिकल ना हो तो फिर क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? सर, खुदा वन इन इन्फिनाइट है आप बोल रहे हैं? खुदा अलोन है, उस जैसा कोई नहीं है, वो इन्फिनाइट, उसकी नॉलेज इन्फिनाइट इन्फिनिट है, और उसकी कुदरत इन्फिनिट है, उसकी सिफात इन्फिनिट है, ये उसका मुख्तसर तारूफ है। आपने कहा एक है या इन्फिनिट है, दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन हमें नजर नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो बताएं। लेकिन हम जब एक कहते हैं तो हम न्यूमेरिकल वन नहीं कहते, क्योंकि जब न्यूमेरिकल वन हम कहते हैं तो वो दो भी हो सकता है, हम न्यूमेरिकल वन नहीं मानते उसको। फिर एक एक मतलब अलोन। ओके, ठीक है। बस, और सर, जमीन गोल है जो है ना? हेलो। गोली है, गोली चल रही है अभी। उसी पे एक सवाल है जी सर, हम जब किबला रुख करते हैं तो जब हम तो वो सीधा चला जाता होगा, किबला नहीं चले जाता होगा, है ना? वही पुराना वाला, वही वही वही। किबला रुख जब हम करते हैं तो हम सिंपली डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में रुख करते हैं। ऐसी कोई नहीं है कि हम सामने जो है बिल्कुल काबा रहना चाहिए और हमारी आंख से जो है एक रोशनी निकल रही है वो काबे के ऊपर से निकल गई, ऐसा कुछ नहीं होता। वैसा कुछ नहीं बोल रहा मैं, नहीं वैसा ही सवाल होता है मेरे भाई, यही एतराज मुरीदों की तरफ से किया जाता है। हम जब हम सुन लीजिए बाप, देखिए ऐसा है कि जब हम किबले की बात करते हैं तो हम सिर्फ डायरेक्शन की बात करते हैं, और डायरेक्शन की बात इसलिए नहीं करते कि डायरेक्शन अहम है, डायरेक्शन की बात इसलिए करते हैं ताकि हमारी इबादत में यूनिटी रहे, दैट्स ऑल। उस यूनिटी की वजह से हम एक तरफ एक डायरेक्शन में एक सिम्त में की तरफ रुख करते हैं। आप इंडिया में हैं, अगर पाकिस्तान में तो आप वेस्ट की तरफ करेंगे, हम अमेरिका में हैं तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ रुख करेंगे, सिंपल। रॉस भाई, आप कहाँ रहते हैं? आप मुल्क का नाम बताएं। हैदराबाद के शायद। अच्छा अच्छा, इंडिया में रहते हैं आप, बताएंगे यूरोप किधर है? हाँ, आपके मुल्क से यूरोप किधर है? यूरोप, यूरोप में, यूरोप एक कॉन्टिनेंट। किधर है भाई, कोई डायरेक्शन तो होगा ना भाई? अगर मैं आपको बोल दूंगा कि चांद में झंडा कहाँ पे, आप अभी मॉडर्न एरा, मॉडर्न नहीं, चांद का झंडा नहीं पूछेंगे, इतना मुश्किल सवाल नहीं करेंगे आपसे, आसान सवाल कर रहे हैं कि यूरोप किधर है। मैं समझ गया उनका क्वेश्चन, लेकिन अभी जो मैप है, मैप को 2D रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए यूरोप इक्वेटर के ऊपर है, ये इक्वेटर के नीचे। ओके, मैं आपको बोल रहा हूँ चांद को ले लो आप, या कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। नहीं, हम तो चांद की तरफ रुख नहीं करते ना, काबा भी तो जमीन पर ही है ना। नहीं ठीक है, ये 2D, ये 2D रिप्रेजेंटेशन है मैप। इन आप 3D रिप्रेजेंटेशन में बताओ ना कि किधर है वो, यूरोप किधर है आपके यहाँ से? 3D रिप्रेजेंटेशन नॉर्थ में, ये स्फेरिकल वर्ल्ड में पॉसिबल है ये? मींस कि आप नॉर्थ साउथ और वेस्ट और ईस्ट करते रहे? नहीं, ये जस्ट 2D रिप्रेजेंटेशन अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए है। नहीं, अभी आपने 3D के एतबार से बोला कि वो नॉर्थ में है, तो वो स्फेरिकल वर्ल्ड में ये कह रहे हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है, पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है। तो फिर काबे पे क्या क्वेश्चन है आपका? आपके अकॉर्डिंग जब पॉसिबल है तो काबा की तरफ डायरेक्शन भी पॉसिबल है फिर? एक मिनट, हेलो हेलो। जी भाई, बोलिए। आवाज आ रही है सर। जब अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाना है, कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसमें दो पॉइंट्स डालिए, हम लोग ये डायरेक्शन से भी जा सकते हैं वो पॉइंट को, और अपोजिट डायरेक्शन से भी जा सकते हैं सेम पॉइंट को। ओके, व्हाट यू मीन बाय दैट? तो इससे क्या साबित हुआ? जब हम नमाज पढ़ते हैं, क़िबला जो साइड है उसके अपोजिट साइड भी नमाज पढ़ सकते हैं चाहे तो। अगर आपके पास दो पॉइंट है, मसलन आपको कलकत्ता से बेंगलोर जाना है,
बोलने दीजिए एक मिनट, अगर आपको हैदराबाद से बेंगलोर जाना है तो श्याम भाई बेंगलोर किधर है हैदराबाद से? मेरे ख्याल से वेस्ट में होगा ना, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट नहीं नहीं नीचे आएगा, साउथ ईस्ट में रहेगा वो, साउथ ईस्ट में आएगा, ठीक है, तो अब वेस्ट में आता है बेंगलुरु, साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, ओके चलें, अब नहीं हैदराबाद से मैं पूछ रहा था, चलें साउथ में हैदराबाद, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में, अब एक तरीका तो ये है कि आप साउथ वेस्ट में चलें हैदराबाद से बेंगलोर पहुंच जाएं, दूसरा तरीका ये है कि आप नॉर्थ ईस्ट चलें, ठीक है, और चलते रहें चलते रहें चलते रहें चलते रहें और पूरा घुमा के फिर आए और फिर बेंगलोर आए, तो किधर से जाना पसंद करेंगे सर? अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, आप हैदराबाद में, क्यों हम आपको ऑस्ट्रेलिया क्यों लेके जाएं, आप हैदराबाद में ही ठीक है, वहीं रहिए सर। नहीं मैं हैदराबाद से पूछ रहा हूँ ना, आपको हैदराबाद से बेंगलोर जाना है, अब जाने के दो तरीके हैं, एक करीबी रास्ता है, एक दुनिया की दूसरी तरफ से घूम के, किधर से जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल सर, जो शॉर्टेस्ट, जो शॉर्टेस्ट है ना, बस वही बात है, हम किबले का डायरेक्शन जो है, जिस रुख पे हम दोनों तरफ से जाहिर सी बात है काबे तक पहुंच सकते हैं, लेकिन काबे तक पहुंचना अहम नहीं है, डायरेक्शन है हमें, तो जो करीब तरीन डायरेक्शन होगा हम उसकी तरफ रुख करेंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, और एक बात और मुसाब, वो किसी भी डायरेक्शन से पहुंचेंगे उस डायरेक्शन का नाम वही रहेगा जो साउथ वेस्ट है, चाहे आप साउथ ईस्ट से घूम के जाओ आपको यही कहा जाएगा कि आप साउथ वेस्ट में पहुंचे हो। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने पॉइंट, जो आपका पॉइंट है उससे कंपेयर किया जाएगा सर, साउथ नॉर्थ ईस्ट। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बारकअल्लाह फीकुम, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, ठीक है जनाब, चलें।